बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम सर्दी के मौसम की ख़ास मिठाई बनाएंगे, जिसका नाम है गुड़ पापड़ी। ये बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी है। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। गेहूं का आटा ले लिया मैंने आधा किलो, आधा किलो घी, पाव गुड़, 100 ग्राम गूंद, आधी प्याली या 30 ग्राम पिसा हुआ खोपरा, बादाम गार्निश के लिए, पतीले में हम सबसे पहले घी डाल देंगे। घी जितना हमने लिया था उसका हाफ डालेंगे और घी जब मेल्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम आटा डालकर भूनेंगे और गैस की फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। और लो फ्लेम पर ही हम आटा भूनेंगे। आटे को इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाएगा और उसका खुशबू आने लगेगी। आटा हमारा तकरीबन भून चुका है तो गैस की फ्लेम हम ऑफ करते हैं और प्लेट में निकाल लेते हैं। अब उसी पतीली में हमने 2 चम्मच घी और ले लिया और घी जब मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम गूंद फ्राई करेंगे। गूंद फ्राई करने के लिए पहले घी का गर्म होना ज़रूरी है, तो हम चेक करते हैं कि घी गर्म हुआ है कि नहीं। घी हमारा गर्म हो चुका है। तो इसमें हम गूंद डाल देंगे। हाफ ऑफ करके हम गूंद को फ्राई करेंगे। गूंद फ्राई हो जाएगा तो हम प्लेट में निकालेंगे। इसी तरीके से बकिया गूंद भी हम फ्राई करके निकाल लेंगे। अब पतीली में दोबारा से हम घी डालेंगे और घी वही है जो हाफ बाकी था। और घी जब मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम गुड़ डाल देंगे और चूल्हे की फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। लो फ्लेम पे ही हम गुड़ को मेल्ट करेंगे। गुड़ हमारा अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है तो चूल्हे की फ्लेम को ऑफ करते हैं और जो गुड़ की चाशनी बनाई थी हमने उसी में भुना हुआ आटा भी हम डालकर मिक्स करते जाएंगे। आटे को अच्छी तरीके से मिक्स करना है और तेज़ी से हाथ चलाना है क्योंकि बहुत जल्द जमना शुरू हो जाता है। और साथ ही गूंद भी डाल देंगे। गूंद को मैंने चूरा कर लिया था और खोपरा भी डाल देंगे। ये तमाम चीज़ें डालकर हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और एक थाल ले लिया मैंने, इसको मैंने पहले से ग्रीस कर लिया था और इसको हम थाल में निकाल लेंगे। थाल में निकाल कर हम इसको बराबर का सेट कर देंगे और चम्मच से बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रेस कर देंगे। अब इसमें हम गार्निश कर लेंगे। गूंद डाल देंगे। गूंद थोड़ा सा मैंने बचा लिया था और बादाम डाल देंगे। अब दोबारा से हम चम्मच से
प्रेस करेंगे। अच्छी तरीके से प्रेस हो जाए तो उसी वक्त हम कट भी लगा लेंगे। ठंडा होने के बाद कट नहीं लगते हैं। और ठंडा करने के लिए हम रूम टेम्परेचर पर 2 घंटे के लिए रख देंगे। 2 घंटे हो चुके हैं और हमारी गुड़ पापड़ी ठंडी हो चुकी है और हमने जो कट लगाए थे उसके पीस निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने पीस निकाल लिए। मज़ेदार सी गुड़ पापड़ी हमारी तैयार है।